हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल फुल सॉल्यूशन। वी विल टुडे स्टार्ट अबाउट लॉग। लॉग कैसे निकालते हैं, लॉगरिथमिक टेबल कैसे देखते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। लॉग टेबल हर 11 12th क्लास के और हायर क्लासेस के मैथ्स के बुक में होगा, पीछे आप लोगों को चाहिए तो आप लोग निकाल सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ लॉग 100। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लॉग 100। आप लोग लॉग टेबल में देखेंगे तो देखेंगे कि हमेशा 2 डिजिट का लॉग ही निकल सकता है, 3 डिजिट टेबल में नहीं दी गई है। 10 से 99 तक का वैल्यू दिया गया है जिसका हम लोग लॉग निकालते हैं, पर भी इस टेबल का यूज़ करके हम लोग कितने भी डिजिट्स का लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लॉग 100, हम लोग शुरू करते हैं। इसमें एक रूल है लॉग निकालने के लिए कि जिस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं दिया हुआ उसमें डेसिमल लगाना है, जिस क्वेश्चन में डेसिमल दिया गया है उसमें डेसिमल को इग्नोर कर देना है। इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग लॉग 100 का वैल्यू निकालेंगे। लेट अस सी कि लॉग टेबल सबको निकाल लीजिए और फिर चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग 100 में पॉइंट लगाएंगे डेसिमल, तो 100 के बाद डेसिमल लगाएंगे और फिर 2 ज़ीरो बैठा देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने भी ज़ीरो बैठाएं उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो 100 ही रहेगा वैल्यू में। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक मीन डिफरेंस का टेबल भी आप देख लीजिए, लेकिन अभी हम लोग मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे वैल्यू 10 का 0। 10 का 0 का जो भी वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे। लॉग टेबल में देखिए सब कुछ तो दिया हुआ है 0, 0, 0 एंड 0, 4 big 0s आर गिवन। अब पॉइंट लगाना है, डेसिमल को वापस लेके आना है पिक्चर में, तो हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने डिजिट्स है डेसिमल के पहले। यही रूल है लॉग लगाने के लिए, डेसिमल के पहले हमारे पास 1, 2, 3 दैट इज़ 100, 3 डिजिट्स है टोटल। तो हम लोग 3 में से 1 माइनस कर देंगे और डेसिमल के पहले 2 लगा देते हैं। इसी रूल से हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लैरिटी आ जाएगी व्हेन वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ लॉग 105। सेम चीज़ है, जैसा रूल बताया गया वैसे ही शुरू करना है। लॉग 105 में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डेसिमल लगाना है, तो 105.00। डेसिमल लगाने के बाद हम लोगों को लॉग टेबल में देखना है, 10 का 5 वैल्यू देखेंगे हम लोग। सब कोई अपने अपने लॉग टेबल में 10 के 5 को देखना शुरू करिए। जब आप 10 का 5 देखेंगे लॉग टेबल में तो यू विल फाइंड द वैल्यू 0212। ये वैल्यू दिया गया है लॉग टेबल में 0212। अब हम लोगों को डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल कैसे लगेगा इसके पहले हम लोगों ने सीखा कि काउंट करेंगे नंबर, 3 डिजिट है टोटल डेसिमल के पहले, तो 3 में से -1 दैट इज़ 2, तो 2 पॉइंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी हमें। नेक्स्ट इज 4 डिजिट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज़ लॉग 2000। अब अगर 2000 का लॉग देखना है तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले हम लोग डेसिमल लगाएंगे, तो 2000.00 डेसिमल लग गया। अब लॉग टेबल देखना है 20 का 0। लॉग टेबल में जब आप 20 का 0 वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू इज़ 3010। ये वैल्यू दिया गया है 20 के 0 का, 3010। नाउ नेक्स्ट इज़ कि हमें डेसिमल लगाना है, टोटल कितना डिजिट्स है डेसिमल के पहले, तो 1, 2, 3, 4 4 डिजिट्स है, तो 4 में से -1 कर देना है, दैट इज़ 3। पॉइंट के आगे क्या नंबर लगेगा, 3। क्लियर ना, तो ये आ गया हमारा वैल्यू लॉग 2000 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लॉग 1.050। स्टार्टिंग में बताया गया था कि जहाँ पॉइंट नहीं है वहाँ पॉइंट लगाना है, जहाँ डेसिमल है वहाँ से डेसिमल को इग्नोर कर दे रहा है। तो यहाँ का डेसिमल को इग्नोर करते हुए हम लोग वैल्यू देखेंगे 10 के 5 का। अपने लॉग टेबल में 10 के 5 का वैल्यू देख लीजिए, तो वैल्यू दिया हुआ है 0212।
दिस वैल्यू इज़ गिवेन 0 to 1 to। अब ज़ीरो है लास्ट में, तो मीन डिफरेंस में ज़ीरो का कोई भी कॉलम नहीं है, इसलिए हम लोग वो नहीं देखेंगे। उसके जगह पे कोई और डिजिट रहता तो हम लोग उसको ऐड करते। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें डेसिमल कैसे लगता है। इसके डेसिमल को लगाने का तरीका डिफरेंट है। क्वेश्चन में डेसिमल के पहले जितना डिजिट है उसमें 1 को माइनस कर दें। नंबर का वैल्यू नहीं देखना है, डिजिट्स का नंबर देखना है। डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो एक में से एक गया 0, 0.0212। दो डिजिट्स होते तो 2 में से 1 को माइनस कर देते। 2 डिजिट्स होते तो 2 नंबर नहीं, 2 डिजिट्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 4.4271। इसको देखेंगे तो क्लैरिटी और आ जाएगी। सबसे पहला क्या स्टेप है कि हम लोगों को डेसिमल को इग्नोर कर देना है। सबसे पहला तो यही है, डेसिमल इग्नोर करिए एंड इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं लॉग में, 44 का 2, यही वैल्यू अभी हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में, दैट इज़ 44 का 2। लॉग टेबल में ढूंढिए आप लोग 44 के 2 का वैल्यू। ओके, लॉग टेबल में 44 के 2 का वैल्यू दिया हुआ है 6454। इट इज़ गिवन 6454। ओके, सबको मिल गया होगा आई थिंक। अब हम लोग देखिए 44 का 2, उसके बाद 0 नहीं है, यहाँ पे नंबर है उसके बाद। अब हम मीन डिफरेंस, यहाँ पे मीन डिफरेंस पिक्चर में आता है। 44 के 7 का मीन डिफरेंस हम लोग देख लेंगे। 44 के मीन डिफरेंस के 7 वाले कॉलम में जाइए, वैल्यू 7 ही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 को ऐड कर देंगे। साफ साफ 7 जो वैल्यू दिया हुआ है मीन डिफरेंस 7 का, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास हमारे नंबर आ जाता है 6461। अब डेसिमल लगाना है आंसर में, तो डेसिमल कैसे लगेगा आपको बताया गया है। पॉइंट के पहले जितना डिजिट है, वैल्यू नहीं डिजिट का, नंबर डिजिट का, सिर्फ एक डिजिट है ना पॉइंट के पहले, सी 4 है सिर्फ लिखा हुआ, मतलब एक डिजिट है। तो 1 में से हम लोग माइनस कर देंगे 1 को। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम ही चीज़ करा था, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 0। अगर ये 24 होता तो 2 में से 1 को माइनस करते, लेकिन ये 1 है तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। आंसर विल बी 0.6461। ये वैल्यू आ गया आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन एकदम क्लैरिटी दे देगा आप लोगों को लॉग के बारे में। वैल्यू है लॉग 432.50, 432.50। चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसमें अब हम लोग सेम ही चीज़ को फॉलो करेंगे, पॉइंट को इग्नोर करेंगे एंड 43 का 2 देखेंगे। सबको लॉग टेबल में जाइए एंड 43 के 2 का वैल्यू को देखिए, वैल्यू इज़ 6355। ओके, नेक्स्ट भी नंबर है 5, तो 5 का मीन डिफरेंस देख लीजिए। 43 के 5 का मीन डिफरेंस 5 ही है वैल्यू। 43 के 5 के मीन डिफरेंस का वैल्यू 5 ही आ रहा है, तो हम लोग 5 को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द नंबर 6360। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है। डेसिमल को वापस से पिक्चर में लेके आते हैं एंड डेसिमल लगाना है। पॉइंट के पहले कितना डिजिट है काउंट कर लीजिए, 4 है, 3 है एंड 2 है, मतलब 3 डिजिट है आपके पास पॉइंट के पहले। माइनस कर देंगे 1, आ गया 2, पॉइंट के आगे लग गया 2। 2.6360 विल बी द आंसर फॉर दिस लॉग। तो ऐसे हम लोग लॉग टेबल को सॉल्व करते हैं। जहाँ डेसिमल नहीं है वहाँ डेसिमल लगा लेना है, जहाँ